What's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. We are now 2 lakh family. Oh my god, I'm so happy. Guys, अगर आप लोग नहीं होते तो ये possible बिल्कुल भी नहीं हो पाता. Like मैं आपको कितना भी thank you बोलूँ वो कम होगा. 1 lakh तक पहुँचने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, लेकिन 1 lakh से 2 lakh तक का सफ़र काफ़ी exciting रहा है. And आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो guys, हर एक video के नीचे, हर एक post के नीचे इतना सारा comments मुझे मिलता है, इतना प्यारा प्यारा comments मिलता है. उसकी वजह से I वर्क हार्ड, वो कमेंट्स पढ़ के मुझे और भी ज़्यादा लाइक अच्छे से काम करने का ना मोटिवेशन मिलता है. 1 lakh के बाद 2 lakh का गोल था मेरा, बट इतना जल्दी हो जाएगा. आप लोग उसे इतना जल्दी, मेरे जो इम्पॉसिबल ड्रीम है उसे पॉसिबल करोगे ना, मुझे पता नहीं था. आई एम सो ग्लैड टू हैव यू गाइज. सो मैंने गिव अवे प्लान किया है 200K स्पेशल, लाइक 2 lakh स्पेशल गिव अवे. सो गिव अवे का रूल्स एंड गिव अवे जो है मैं इस वीडियो पर आपको अनाउंस करूँगी. सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना. एंड आज का वीडियो जो है वो है नायका स्किन केयर हॉल अंडर 500 rupees. आई थिंक ये मेरा फर्स्ट एवर नायका स्किन केयर हॉल है. एंड अगर मैं थोड़ी सी जल्दी लग रही हूँ ना आज, क्योंकि मैंने आज कोई मेकअप नहीं किया है, मेरा लिपस्टिक एंड मस्कारा ऑन है बस. एंड क्योंकि मुझे डेली शूट करना पड़ता है या फिर इंस्टाग्राम के लिए या फिर यूट्यूब के लिए, सो मेरा स्किन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है. एंड वन थिंग गाइज, मैं #... फैम ढूंढ रही हूँ, लाइक नाम ढूंढ रही हूँ. मुझे एक अच्छा खासा नाम बताओ कमेंट करके कि मुझे क्या रखना चाहिए जिससे आप मेरी फैमिली जो हो वो पता चले, आप किसी भी जगह पे मेरा हैशटैग यूज़ कर सको. सो मुझे बताओ यार, मेरा नाम इतना अजीब सी है ना, लाइक मैं शर्ट फैम रखूँ, मिली फैम रखूँ, कितना फ़नी है मिली फैम. एनीवे आर्मी फैम है जो बीच वाला नाम मेरा, शर्मी तो आर्मी फैम है. बताओ मुझे यार कुछ अच्छा वाला नाम बताओ. एंड वन मोर थिंग, मेरा जो रिंग लाइट था वो एक्चुअली जिस दिन मैं 200K का पिक्चर वाला शूट कर रही थी ना, उसी दिन वो बीच में लाइक फ़ोटोशूट के बीच में ख़राब हो गया, लाइक अचानक से बंद हो गया. आई मीन थैंक गॉड मैंने उससे पहले आई थिंक 10-15 पिक्चर्स खींच लिया था, बट दैट वॉज द डिज़ास्टर. सो मैंने कल ही रिसेंट एक न्यू लाइट परचेज किया है. एंड दिस टाइम दिस इज़ नॉट अ रिंग लाइट, ये जो है ये एक LED पैनल है. एंड मुझे एक्चुअली जाना पड़ा शॉप पर जाके ख़रीदना पड़ा, बिकॉज जो अमेज़न पे मैंने ऑर्डर किया था वो आने में काफ़ी टाइम लगता. एंड वो अगर कोई डिफेक्टिव होता भी तो मैं रिटर्न नहीं दे सकती, उसे बस रिप्लेस कर सकती थी. तो मुझे ये था कुछ जो मैं फ़र्स्ट टाइम परचेस करी तो मैं कुछ देख के ही करूँ. तो मुझे एक्चुअली इस प्लान में गई मैं मेट्रो गली जो है जहाँ पे सब कुछ मिलता है ऐसे इक्विपमेंट्स एंड सामान एंड ऑल, वहाँ से जाके मैं कल जाके खरीद के लाई हूँ. आई डोंट नो गाइस, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना. मैं सोच रही हूँ मैं और एक लाइट लगाऊँ, लाइक दोनों साइड पर लगाऊँ, क्योंकि अभी एक ही है. मैं चेक करने के लिए लाई थी एक. सो या मैं हमेशा टॉपिक से मूव हो जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज नायका नेचुरल्स ऑनियन एंड फेनुग्रीक शैम्पू. इसका जो प्राइस है दैट इज़ 399 rupees. इसमें आपको मिलता है टोटल 200 ml ऑफ प्रोडक्ट. मैंने इसे अपना जो फेवरेट लाइक द प्रोडक्ट्स आई हैव बीन लविंग वाला वीडियो पे मैंने शेयर किया था. सो ये मैंने रिस्टॉक किया है एंड आई लव दिस शैम्पू रियली, लाइक ये रियली इट वर्क्स. एंड इसका फ्रेग्रेंस में ना ऑनियन वाला कुछ फील आता भी नहीं है, सो लाइक वेरी सटल फ्रेग्रेंस. सो आई रियली लव दिस वन. मैं अभी फिलहाल आई गेस 3 शैम्पू में स्विच कर रही हूँ, उसमें से एक ये है एंड ये मेरा लाइक सबसे ज़्यादा फेवरेट में से एक है. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास एक अगेन एक रिस्टॉक है जो मेरे लाइक मैं हमेशा खरीदती रहती हूँ, लाइक हर दूसरे महीने में मैं खरीदती रहती हूँ या फिर शायद एक महीने में ख़त्म हो जाता है मेरा. सो ये है प्लम का रिन्यूड नाइट क्लैरिटी जेल ग्रीन टी, रेंज में से है ये. हर दूसरे नायका हॉल पर दिखाती रहती हूँ आपको. सो ये आइए मेरा फिर से रिस्टॉक किया है क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है मेरा. एंड इस इज़ आई थिंक माई फिफ्थ बॉटल एंड इट सूट्स मी वेरी वेल, लाइक इट्स फॉर सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन. अगर आपका है आई थिंक आपको एक बार ट्राई करना चाहिए. लाइक नेक्स्ट मेरे पास एक प्लम का प्रोडक्ट है एंड दिस इज प्लम ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट. मैंने अपना इसका फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो पे यूज़ करके दिखाया था आपको एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है. मैं इसे आई गेस 2 weeks हो गया मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ लाइक रियली रिफ्रेशिंग. आई लव इट, लाइक इट फील्स सो गुड. एंड अब इसे सिर्फ कभी भी स्प्रे कर सकते हो, मेकअप के ऊपर, मेकअप के नीचे, कभी भी, लाइक कभी भी. इसका ओरिजिनल प्राइस है 360 rupees एंड मुझे ये ऑफर मिला है 324 पे. फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट यू नो प्लम का टोनर जैसा ही है बट ये थोड़ा और ज़्यादा रिफ्रेशिंग वाला फील देता है एंड आई रियली लव इट. एंड यू कैन सी माई स्किन इज एक्चुअली ग्लोइंग, एक्चुअली हाइड्रेट भी करता है स्किन को. सो नेक्स्ट मेरे पास एक न्यू परचेज एंड दैट इज नायका वंडर लास्ट शार जेल.
Mediterranean. So it's a Wonderlust Mediterranean sea salt variant and इसमें अभी और भी बहुत सारा variant available था. इसका जो price that is 350 rupees, इसमें मुझे कोई offer नहीं मिला है and you will get 300 ml of product, I think, which is not bad क्योंकि shower gel लगता भी दो ही drops है. So इसका packaging भी same shampoo जैसा ही है, like ऐसे open करो तो open हो जाएगा. बहुत ही easy हो जाता है, you know, नहाते वक्त हमेशा use करना ऐसे packaging को, pump नहीं करना पड़ता. तो I love this kind of packaging a lot. I haven't used it क्योंकि मुझे दिखाना था, you know, इसका packaging इतना अच्छा लग रहा है. I didn't want to ruin this. इसका smell ना exactly peppermint जैसा है but थोड़ा सा different है, like थोड़ा सा अच्छा है. I really love this one. I am so excited to try this one out. So next मेरे पास ये एक Nykaa का product है, that is Nykaa Whipped with Love French Lavender and Honey Hand and Nail Cream. So this is how it looks like and इसका packaging is so cute, you guys. इसका जो price है that is 299 rupees मुझे मिला है 239 पे and इसमें you will get 30 ml of product. And मैंने इससे पहले कभी भी, you know, hand and foot cream या फिर hand और nail cream मैंने use नहीं किया है. So I thought let's try this one out. इसमें बहुत सारा variants available था. It smells amazing and it feels super duper soft and hydrating and इसमें आपको ज़्यादा amount पे लगता भी नहीं है. Like this much, you will need this much and आपका काम जो है हो जाएगा. So yeah, I really enjoy using this. मैं इसे only मेरे night time में apply करती हूँ, like सोने से पहले. So the next product is again by Plum and it's ये actually मेरा new purchase, like first purchase है. This is Plum Be Good Simply Supple Cleansing Balm and इसका जो original price है that is 545 rupees but मुझे ये discount में मिला है 463 rupees में. इसमें आपको मिलता है total 90 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट विच इज आई थिंक नॉट बैड एट ऑल. यू विल गेट अ स्मॉल स्पैचुला. इस पे आपको आई थिंक बस एक ही स्कूप लगता है टू रिमूव ऑल योर मेकअप. हाथ पे लेके बस ऐसे रब करके पूरा, ऐसे आप नॉर्मली फेस वॉश करते हो ना, वैसे आपको पूरे फेस पे इसे मसाज करना है एंड ये विद इन 2 or 3 minutes मेकअप को मेल्ट कर लेता है. एंड उसके बाद यू कैन यूज एनी मेकअप वाइप्स और कॉटन पैड टू रिमूव दी रेस्ट ओवर लाइक रेसिड्यू एंड उसके बाद आप नॉर्मल फेस वॉश करते हो जैसे वैसे कर सकते हो. आपका वाटर प्रूफ मेकअप भी इसे रिमूव हो जाता है. मैंने क्लिनजिंग बाम इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया था तो या आई रियली लव दिस वन. नेक्स्ट मेरे पास है एक सनस्क्रीन एंड ये एक्चुअली एक न्यू लॉन्च है आई गेस. सो दिस इज द स्विस ब्यूटी सनस्क्रीन स्प्रे एंड इट सेज इट्स वाटर एंड सन प्रोटेक्शन व्हाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग. इसमें को मिलता है 150 ml ऑफ प्रोडक्ट. इसका ओरिजिनल प्राइस है रुपीज 349 एंड क्योंकि ये न्यू लॉन्च है इसलिए मुझे कोई इसमें नो ऑफर नहीं मिला है. मैंने सनस्क्रीन स्प्रे कभी इससे पहले यूज़ नहीं किया था. सो दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर मी एंड मैंने देखा कि रिसेंटली स्विस ब्यूटी ने काफ़ी सारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, लाइक नाइट मास्क, नाइट जेल, फेशियल सीरम, विटामिन सी सीरम, क्ले मास्क, बहुत सारा वेरियंट में. एंड उसका पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक बहुत ही लग्जोरियस पैकेजिंग है लेकिन बहुत ही कम प्राइस में, लाइक 349, 200, 250 ऐसा करके प्राइस है. तो या आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट एंड इट्स क्रुएल्टी फ्री एंड एंटी टैन विद SPF 20, नॉन ग्रीसी, UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, वाटर एंड स्वेट प्रूफ. सो ये काफ़ी अच्छा होने वाला, अगर एक अच्छे से काम कर गया. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. लेट्स स्प्रे इट. ओके, सो ये कुछ ऐसे वाइट वाइट वाला स्प्रे निकला है. आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, लाइक स्प्रे करके रख दो या फिर उसके बाद कुछ मसाज भी करना होता है. बट आई थिंक ये थोड़ा सा वाइट कास्ट भी देगा आपको. अभी तक मुझे लग नहीं रहा है लेकिन मेरा पूरा जो दूसरा फ़ोन है पूरा भर चुका है वाइट स्प्रे में. एंड येस, डेफिनेटली एक वाइट कास्ट प्रोवाइड करेगा. बट आई डोंट नो कि ये उसके कुछ देर बाद सेटल हो जाएगा कि नहीं स्किन के साथ, वो मुझे देखना पड़ेगा यूज़ करके. मैंने सब तक फेस पे यूज़ नहीं किया है. सो या आई लेट यू नो गाइज अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो मेरे पास नेक्स्ट है एक नो स्ट्रिप एंड दिस इज हिप हॉप क्लिनजिंग चारकोल नो स्ट्रिप. इसका जो ओरिजिनल प्राइस दैट इज 110 रुपीज़. इसमें मुझे कोई ऑफर नहीं मिला है. यू विल गेट टोटल 3 स्ट्रिप्स. या आई रियली एन्जॉय यूजिंग यू नो नो स्ट्रिप्स, लाइक नॉट एन्जॉय इट एग्जैक्टली बट या आई लव द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट, लाइक पूरा क्लीन हो जाता है. सो आई रियली लव दिस मिनीसो का नो स्ट्रिप. इसमें आपको मिलता है 10 स्ट्रिप्स. इसका प्राइस है 150 रुपीज़, 190 रुपीज़, आई एम सॉरी, इट्स 190 रुपीज़ एंड इसका 110 रुपीज़ है एंड आपको मिलता है 3 स्ट्रिप्स. सो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. बट ओके, लेट्स सी कि ये कैसा काम करेगा. सो लास्ट मेरे पास है 2 मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट. आई मीन मैंने इससे पहले कभी भी मिनिमलिस्ट का स्किन केयर ट्राई नहीं किया है. फर्स्ट वन इज़ सैलिसिलिक एसिड 2% फेस सीरम
एंड इसका जो प्राइस है दैट इज़ 549 रुपीज़। बस यही थोड़ा ओवर प्राइज है, इट्स क्लोज इनाफ एंड इस पर आपको शायद ये ऑफर मिल जाएगा 500 के नीचे भी। सो या इस पर आपको मिलता है टोटल 30 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट राइट हियर। सो मैं आपको एक बार जल्दी से इसका जो क्लेम्स है वो बता देती हूँ। सो ये बेसिकली एक लीव ऑन एक्सफोलियंट, आपको इसे लगाने के बाद एक रख देना है, आपको इसे रिमूव नहीं करना है। एंड इट्स अ BHA यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। इसका जो स्किन टाइप है इस इज नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली सेंसिटिव एक्ने प्रोन। अगर आपका 18+ है तो यू कैन यूज दिस। एंड इसका टारगेट जो है दैट इज ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स, एक्ने एंड ऑयलीनेस। मैं इसे आई थिंक लास्ट 1 week से ट्राई कर रही हूँ एंड अगेन आई एम नॉट यूजिंग इट एवरी सिंगल डे। मैं इसे एक दिन बाद या फिर कभी कभार 2 दिन बाद इसे यूज करती हूँ। तो इसका मैं अभी भी कुछ नहीं बता सकती कि ये कैसा काम करता है या फिर एक्चुअली वर्क्स और नॉट। आई एम गोना यूज इट एंड आई एम गोना शेयर माई रिव्यू आफ्टर सम डेज। आई थिंक एक्चुअली मुझे ये 1 month यूज करना ही होगा इसे कुछ बताने से पहले। सो ये अगर ये काम कर जाए ना तो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरे स्किन प्रॉब्लम में एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज एक्नेस। सो नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल एंड वो अगेन मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट है, सेपिकम और सेपाइकम और सेपाइसम। बिकॉज मुझे ये गूगल पे भी नहीं मिल रहा है, इसका स्पेलिंग नहीं मिल रहा है, सो आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इट्स लाइक सेपिकम 3% प्लस ओट मॉइस्चराइजर एंड इसका प्राइस रुपीज 349 एंड यू विल गेट 50 ml ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड मैंने इसे लास्ट 3 दिनों से यूज़ किया है एंड आई मस्ट से ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। लाइक आई हैव ऑयली टी जोन, आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, बट स्टिल मेरे स्किन को ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड स्टिल मेरे जो स्किन है ना बिल्कुल भी ऑयली, ग्रीसी, चिपचिपा या फिर ऐसा कुछ भी इफेक्ट इसके बाद लगाने के बाद लगता नहीं है। सो आई रियली लव दिस वन। सो इट्स अ मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली, एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन अगेन एंड ये फ्रेग्रेंस फ्री है, विच आई अग्री टोटली। अगर आपका एज 16+ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड इट्स अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट। टारगेट से दैट इज ड्राइनेस, सन डैमेज, रेडनेस, डिहाइड्रेशन एंड डलनेस। सो दिस इज द प्रोडक्ट एंड ये आपको लगता भी काफ़ी कम अमाउंट में है एंड आई थिंक द प्राइस पॉइंट इज़ रियली ग्रेट। लाइक मिनिमलिस्ट का जो प्राइस पॉइंट है ना लाइक स्किन केयर का काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आपको सच में ट्राई करना है आई थिंक यू कैन ट्राई, बट अगेन कुछ भी खरीदने से पहले स्किन केयर प्रोडक्ट उसका इन्ग्रीडियंट्स प्लीज़ अच्छी तरह से चेक कर लो कि अगर आपको किसी इन्ग्रीडियंट से एलर्जिक रिएक्शन होता है कि नहीं एंड ऑल दैट। आप एक बार पैच टेस्ट कर लो हमेशा कुछ भी न्यू प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से पहले। ये जो है मेरा हॉल था, छोटू का स्किन केयर हॉल एंड हॉल नंबर 2 भी आने वाला है नायका का, आई थिंक वो सब भी 500 के अंदर वाला प्रोडक्ट्स होगा, मेकअप हॉल होगा वो वाला। सो नाउ द एक्साइटिंग पार्ट इज द गिव अवे पार्ट, कि मैं क्या रखने वाली गिव अवे में। सो गिव अवे के लिए मैं 2 lucky winners सिलेक्ट करूंगी, चूज करूंगी। ईच वन ऑफ यू विल गेट नायका वाउचर वर्थ रुपीज 2.5k एंड वन थिंग गाइज, ये कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है नायका के साथ, मैं ये अपने आप से दे रही हूँ। एंड रूल्स आर दिस टाइम वेरी सिंपल, मैंने इंस्टाग्राम को एक्सक्लूड किया है, ठीक है। फर्स्ट रूल इज सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सेकेंड इज आपको मेरे इस वीडियो जाके नीचे जाके कमेंट करना है कि आपको मेरा सबसे ज्यादा कौन सा वीडियो अच्छा लगता है, या फिर आप 1, 2, 3 करके भी रेट कर सकते हो मेरे वीडियो को जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। एंड थर्ड इज आपको कमेंट करना है कि मेरे चैनल में आपको सबसे ज्यादा कौन सा कंटेंट जो है पसंद आता है। सो या ये 3 rules है। ये गिव अवे एंड होगा 30th of July को। मैं 31st July को कम्युनिटी टैब पे मेरे विनर्स का नेम एंड मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी मेरा विनर्स का नेम जो है डिक्लेयर कर दूंगी। सो या दैट वॉज इट, बहुत ही सिंपल सा रूल है एंड फॉलो इट एंड शेयर दिस वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ। एंड सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। Once again, thank you so, so, so much for supporting me and loving me. And I'll see you guys in my next video. Till then, bye. Take care and I love you all.